हमने अंडे उबाल लिए। आज हम बना रहे हैं अंडा कड़ी, और ये अंडे हैं, और ये टमाटर का मैं पीस दिया टमाटर का, ये क्या बोलते हैं इसको, ये प्याज और लहसुन काट रखे हैं, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए हमने बना लिए, अंडे उबाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डाल के अब हम इसको मिलाएंगे। अभी आपस में मिल जाएंगे, उसके बाद हम ताकि जो ग्रेवी है इसके अंदर से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको पहले ऐसे करके अच्छे से फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है हमें। अब हम इसमें तेल गरम करने रखेंगे, तेल गरम हो रहा है। इसके बाद हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। अभी दिखाते हैं हम कैसे फ्राई करेंगे। ये हमने फ्राई करने डाला इसको, अच्छे से फ्राई करके निकालना है, बिल्कुल अच्छे से रेड हो जाए। आप कैसे बनाते हैं अंडा करी, हमें सिंपल तरीका है। हमने अंडे फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में गर्म तेल में जीरा, वैसे उसके बाद अदरक प्याज रखी, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकने के बाद ही डालेंगे पेस्ट वगैरह, टमाटर की पूरी, पूरी डाली है, थोड़ा सा गैस तेज करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वादानुसार, हल्दी थोड़ी सी, बस जब ये अच्छे से पक जाए तो हम बाकी मसाले डालेंगे। फिर जब इसको अच्छे से पकाना है हमें, उसके बाद हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले बना रखा था, उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं एक चम्मच, हमें इसे अच्छे से पकाना है। देखिए अभी पक रहा है, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, इसको हमें और पकाना है। अभी कम से कम 15 मिनट और पकाना है, तब जाके अच्छी ग्रेवी बनेगी। जितना हम पकाएंगे उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी, अच्छी ग्रेवी अच्छी रहती है, स्मेल आती है। देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी पक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया। हमने इसमें आलू मैश करके डाल दिए थे पहले ही, देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी है, कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे अपना, आपको जितना लगता है उतना पानी डालिए। उसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अंडे डालेंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखे हैं। अभी इसमें उबाल आ जाएगा हल्का सा तो हम इसमें डाल के उबाल देंगे अंडे। अब इसमें उबाल आ चुका है, ये देखिए उबल रहा है,
अब क्या करना है इसमें, अब हमने जो अंडे फ्राई कर रखे थे उनको एक एक करके डालना है इसमें। हल्का से हिला के बस को 2 मिनट के लिए पकाना है, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। बस अब हम इसको 2 मिनट बाद बंद कर देंगे और हरा धनिया वगैरह डाल देंगे, वो तो ना हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। देखो फ्रेंड्स, अंडा करी बनके तैयार है, जिसको भी खाना हो आ जाओ। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में अंडा करी।